व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक काफी शानदार रहने वाला है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर स्टैंडिंग कमिटीज, संसद की प्रमुख स्थायी जो समितियां होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आखिर इनकी क्या जरूरत पड़ती है, क्यों इनको गठन किया जाता है, कहाँ कहाँ से इनके मेंबर चुने जाते हैं और यहाँ पर क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, पहले कितने हुआ करते थे, अब कितने होने लगे हैं, कहाँ कहाँ पर ये वर्क करती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। टोटल लेक्चर को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर को सुनने के बाद में कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में स्टैंडिंग कमिटी से रिलेटेड नहीं रहेगा और एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर नाम के आगे ही, अगर आप लोग देखेंगे तो नाम के आगे भी लिखा हुआ है कि संसद की, संसद मतलब पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी है। और जब हम लोग वर्ड पार्लियामेंट यूज करते हैं या फिर संसद यूज करते हैं तो क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप लोगों के लिए लोकसभा भी आ जाती है, राज्यसभा भी आ जाती है और प्रेसिडेंट भी आ जाता है। तो तीनों को जब मिला देते हैं तब चलकर हमारी ये कंप्लीट एक पार्लियामेंट बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं संसद। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कमिटी जो रहेंगी यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है लोकसभा के अंदर काम करेंगे, ओनली राज्यसभा के अंदर काम करेगी, तो दोनों के लिए ही ये काम करने वाली है। कितनी कमिटी किसके लिए काम करेगी ये हम अभी आगे डिटेल में देख लेंगे। तो पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री जानते हैं, कितनी कब क्रिएट की गई है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में ये क्रिएट की गई 1993 में 17 स्टैंडिंग कमिटी डिपार्टमेंटल ये यहाँ पर क्रिएट की गई जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट वर्क किया करती थी। आखिर में होता क्या है, देखिए हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस हैं। ठीक है, तो अलग अलग हाउस में बहुत सारे काम होते हैं आप लोगों को दो नॉर्मली देखने को मिलेगा, और कुछ यहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो देखिए सारा काम अपने आप नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे वर्क है, इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो सबको संभालना, पूरी कंट्री को देख रेख करना ये पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई कल को कोई लॉ बना जा रहा है तो कंप्लीटली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर होते हैं, जो खासकर मिनिस्टर्स जो होते हैं वो सब चीजों पर फोकस दे सके। तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इशू आ गया, ठीक है, आज के डेट में कोई भी इशू आप लोग उठा लीजिए, मान लीजिए लैंड का कोई इशू आ गया, ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग का कोई इशू आ गया या कोई भी और रिटेल में कोई इशू आ गया, ट्रिपल तलाक का इशू आ गया, तो क्या करते हैं स्टैंडिंग कमिटीज को भेजे जाते हैं उनके ऊपर देखने के लिए कि क्या इसमें गड़बड़ है, क्या इसमें सही है। नॉर्मली उस तरीके से यहाँ पर वर्क किया जाता है। ये मैंने आप लोगों को उदाहरण के तौर पर समझाया। मेनली जो इनका वर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड मिलेगा, मतलब अगर कोई यहाँ पर स्कीम चला रहे हैं किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, चाहे ओबीसी के लिए चला रहे हैं, चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए चला रहे हैं, एससी एसटी या वुमेन या बच्चों के लिए, या बूढ़े जो हमारे जो सिटीजन है उनके लिए चला रहे हैं, तो एल्डरली सिटीजन के लिए, किसी भी इंसान के लिए अगर कोई भी स्कीम बना रहे हैं तो किस तरीके से उस स्कीम को इफेक्टिवली हम लोग पार्लियामेंट में रख सकते हैं ताकि वो जब बिल है आगे चल के एक्ट बने तो उसमें कोई खामियां ना देखने को मिले, उसमें कोई कमी ना देखने को मिले। तो उसीलिए यहां पर आप लोगों को ये स्टैंडिंग कमिटीज दिखाई देंगी। तो स्टैंडिंग कमिटी का सीधा सीधा मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन का जो सिस्टम होता है उसको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, मतलब ये है कि हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती है कि हमारी डेमोक्रेसी ढंग से वर्क करे। जो यहां पर लेजिस्लेटर लॉ बनाते हैं तो वो लॉ ऐसे बनाए कि वो प्रोडक्टिव रहे, उनमें कोई भी कमी या खामियां नहीं देखने को मिले, और जो टैक्स पेयर की मनी है तो उसका ढंग से इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, वो बर्बाद न हो। तो सीधा सीधा मतलब आप लोग मोटा मोटा तौर पर इसको इसलिए समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर एक डिपार्टमेंट में आप लोगों को मैक्सिमम कमिटीज देखने को मिलेगी, तो उन कमिटीज को काम दिए जाते हैं अलग अलग, अगर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी होता है उस लेवल पर डिस्कस किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है और फिर वो आगे चल के फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिसके बेस पर आगे फिर डिपार्टमेंट में अगर कोई चेंज करना होता है, कुछ भी अगर वहां पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो सारा काम देख रहे स्टैंडिंग कमिटीज के दायरे में किया जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या क्या इसके बारे में है। स्टार्टिंग में 17 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी थी जो 1993 की बात की जा रही है, पर लेकिन 2004 में कुछ ऐसी बातें फील हुई कि अभी और स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए, तो 7 और जोड़ दी गई, तो टोटल आप लोगों को आज के डेट में 24 स्टैंडिंग कमेटीज नजर आएगी हमारी पार्लियामेंट में, हमारी संसद में। तो ये क्या करेंगी, पार्लियामेंट का जो डिबेट होता है उसको और ज्यादा मोर इफेक्टिव बनाएंगी, मतलब एक तरीके से जब इनके पास में कोई काम पहले चला जाएगा, अगर कोई बिल है जो पास होना है और वो बिल को हम लोग इनके पास में पहले भेज देते हैं तो क्या होगा, वहां पर इफेक्टिवली वहां पर काम होगा, इफेक्टिवली वहां पर डिस्कशन होगा, और फिर जब वो वापसी पार्लियामेंट में आएगा तो वहां पर और अच्छे से वहां पर चीजें डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि अब जो है वहां पर एक्सपर्ट का एक व्यू आ जाएगा, वहां पर एक एमिनेंट पर्सन का व्यू आ जाएगा, वहां पर वो कैसे आ जाएगा वो आप लोगों को भी आगे देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एम क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, एम एंड ऑब्जेक्टिव हो गया कि एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट में उनकी और ज्यादा इफेक्टिवली उनका यूटिलाइज करना और ज्यादा अकाउंटेबल बनाना उनको, और एक तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी यहां पर रखना। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या मतलब हो गया, ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ाना यहां पर एक तरीके से, और अच्छे से जो हमारी मनी है टैक्स पेयर की उसको ढंग से यूज करना।
तो टोटल मिला के 24 यहां पर आज के डेट में आप लोगों को स्टैंडिंग कमेटी नजर आएंगी, और ये 24 अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती हुई सेंट्रल गवर्नमेंट पर वर्क करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने के मिलेगा जो असलियत में काम किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पर वो कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी या फिर दूसरी जो कमेटी मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तीन कमेटी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बहुत डिटेल में और काफी शानदार है वो कमेटी। अगर किसी ने पुराने लेक्चर नहीं देखे और कोई नया स्टूडेंट आज जुड़ा है तो जाकर सारे लेक्चर देख सकता है, सब लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। ओके, तो बात की जा रही है यहां पर डिपार्टमेंटल की जो स्टैंडिंग कमेटी है इनके बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम होते हैं, तो स्टैंडिंग कमेटी के हाथ में से अगर निकलकर एक बार कोई काम आ जाता है तो फिर ये लगेगा कि हाँ, एक एश्योरेंस हो जाता है कि हाँ यार अब इसमें बहुत कम कमियां दिखेंगी। कमी तो देखिए आटे के बराबर तो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ये कहते हैं ना चांद में भी दाग होता है, तो इतनी तो प्रॉब्लम देखने को मिलती ही मिलती है, पर हाँ ये नहीं कि बहुत ज्यादा ब्लंडर देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर एक एक्सपर्ट व्यू बीच में आ चुका है और इसके अलावा वहां पर एक डिटेल ओरिएंटेशन वहां पर सबके सामने रखा जा चुका है, तो कुछ ऐसी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो जो 24 स्टैंडिंग कमेटी है यहां पर से किस किस के हिस्से में कितनी आती है, इसमें से आठ तो हिस्से में आती है राज्यसभा के, तो राज्यसभा जो है हमारा आठ तो उसके हिस्से में आ जाती है, और 16 यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो लोकसभा के हिस्से में आ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पास्ट में कि आज की डेट में जो स्टैंडिंग कमेटी है उनकी संख्या कितनी है, कितनी लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी है और कितनी राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी है, तो नंबर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। और एक इसके बाद में हम लोग मेंबर देख लेते हैं, ईच स्टैंडिंग कमेटी, हर एक स्टैंडिंग कमेटी में आप लोगों को 31 मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पास्ट में तीन कमेटी पढ़ाई है, तीनों कमेटी के नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए और तीनों कमेटी के सामने बताइए मेंबर कितने हैं तीनों कमेटी में। ठीक है, और ब्रैकेट में उनके सामने ये भी लिख दीजिएगा लोकसभा से आ रहे हैं, राज्यसभा से आ रहे हैं या फिर लोकसभा से या फिर ओनली राज्यसभा से आ रहे हैं, डिटेल में मैंने डिस्कस किया था वहां पर आप लोगों के सामने, तो इसलिए आप लोग भूलना नहीं है कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या की जा रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, मेंबर जो होते हैं यहां पर लोकसभा की अगर बात की जा रही है स्टैंडिंग कमेटी के, वो नॉमिनेट किए जाते हैं। जो हमने पहले तीन कमेटी डिस्कस किए हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था नॉमिनेट नहीं किए जा रहे थे, वो इलेक्ट किए जा रहे थे, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से बोल रहा हूं, वहां पर इलेक्शन था यहां पर नॉमिनेशन है। तो कौन कर रहा था, ये कर रहा है यहां पर स्पीकर। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने देखा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किया जा रहा था और वहां पर सिंगल वोट ट्रांसफरेबल वाला सिस्टम हम लोग इंप्लीमेंट करके चल रहे थे। राज्यसभा में भी यहां पर सिमिलर मैटर देखने को मिलेगा, यहां पर भी नॉमिनेट किया जाता है, कोई भी इलेक्शन यहां पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, नॉमिनेशन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का दबदबा आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। ठीक है, मिनिस्टर्स जो है वो नॉट एलिजिबल, ये बिल्कुल सेम मैटर है जो हमने जो तीन पहले की जो हम कमेटी डिस्कस कर चुके हैं उसमें भी ये हम लोगों ने पॉइंट देखा था, वहां पर भी मिनिस्टर पार्ट नहीं हुआ करता था। आखिर क्यों, मिनिस्टर के लिए ही तो मिनिस्टर के ऊपर बोझ ना पड़े, मिनिस्टर के ऊपर जो दबाव पड़ता है काम का उसको कम करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, अगर मिनिस्टर को ही उसमें डाल देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी में आप लोगों को कोई भी मिनिस्टर यहां पर नहीं दिखेगा और कोई भी मिनिस्टर यहां पर नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। और अगर कोई मेंबर यहां पर है आज की डेट में, मान लीजिए कोई मेंबर यहां पर है, ठीक है, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का कोई मेंबर है, आगे चल के वो मिनिस्टर बन गया है, तो उसी समय उसका जो स्टैंडिंग कमेटी की मेंबरशिप है वो सीज हो जाएगी, मतलब वहीं पर ही उसको रोक देंगे, वहीं पर ही ब्लॉक कर देंगे कि यू आर नॉट मेंबर नाउ। ओके, उनको वहां से फिर से उस कमेटी को वहां पर छोड़ना पड़ेगा, तो ये बात आप लोग क्लियरली अपने माइंड में डिफाइन कर लीजिएगा। जबकि आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इलिजिबल मेंबर की यहां पर बात आती है, नॉमिनेशन वाला सिस्टम यहां पर देख सकते हैं और इलेक्टेड वहां पर किए जाते थे, तो इलेक्शन और नॉमिनेशन के बीच में डिफरेंस जरूर रखिएगा। टर्म जो करते हैं टाइम पीरियड की, यहां पर भी आप लोगों को एक साल देखने को मिलेगा, वहां पर भी एक साल ही देखा था, सारी स्टैंडिंग कमिटीज वहां पर भी एक साल की ही थी, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर सेम मैटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे डिस्कस किया जा रहा है फंक्शंस। तो फंक्शंस तो पहले मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो पहली बात क्या बोली जा रही है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की बात की जा रही है। जब हम लोगों ने बजट वाला लेक्चर डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को 6 प्रोसीजर बताए थे, वहां पर एक आप लोगों को यह भी देखने को मिला था। तो जब अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए यहां पर डिमांड की जाती है ग्रांट्स के लिए, तो वहां पर कितनी डिमांड्स उनके लिए जरूरी है, यहां पर यह भी कम से कम डिफाइंड ढंग से इनके द्वारा किया जाएगा, स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा यह बताएंगे कि एक्चुअल में कितनी डिमांड आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो बाद में बिफोर अगर उसमें फिर पार्लियामेंट में जाती है, वहां पर डिस्कस किया जाता है, वोट किया जाता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं इफेक्टिव यहां पर यूटिलाइजेशन आप लोगों का रिसोर्सेज का होता दिखेगा। तो डिमांड फॉर द ग्रांट्स के लिए भी यहां पर आप लोगों को यूटिलाइज होती पाएंगी यहां पर स्टैंडिंग कमेटी, तभी ढंग से पता चलेगा कितना रियलिटी में आप लोगों की डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट आप को देखने को मिलेगा एग्जामिन करने के लिए बिल को। अगर मान लीजिए कोई भी बिल रख दिया गया किसी भी मिनिस्ट्री का, मान लीजिए जीएसटी की बात आप लोग कर लीजिए, या कोई और बिल, लैंड से रिलेटेड कोई बिल आ गया, या फिर ट्रिपल तलाक वाला इशू आ गया, तो अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी कोई बिल आते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाते हैं, ताकि उस पर आराम से ढंग से डिस्कशन किया जा सके, चीजों को ढंग से देखा जा सके, ताकि उसको एक ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके और उसमें कोई भी कमियां खामियां न देखने को मिले। ओके, ये भी यहां पर काम इसके द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये एनुअल रिपोर्ट, आप लोगों को देखने को मिलता है कई सारी मिनिस्ट्रियां एनुअल रिपोर्ट लेके आती हैं, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट सबमिट की जाती है, तो उसको भी ये देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या बातें हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पर एक क्लियरिटी नजर आएगी। नेक्स्ट बात की जा रही है कि जो भी नेशनल के लिए कोई बेसिक्स पॉलिसी बनाई जा रही है जो लॉन्ग टर्म के लिए इंपैक्ट डालने वाली है, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए बात बोली गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि क्या स्टैंडिंग कमेटी डे बाय डे की एक्टिविटी में इंटरफेयर करती है, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, डे बाय डे की एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करती है कि आज क्या हो रहा है कल क्या हो रहा है परसों क्या हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो हाउसेज में अगर कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी आ रही है जो लार्ज स्केल पर नेशनल के इंटरेस्ट में है और लार्ज स्केल पर हमारी सोसाइटी पे इंपैक्ट डालने वाली है, वहां भी कंसीडर किया जाता है कि एक बार स्टैंडिंग कमेटी में को निकलकर वो बिल या वो भी जो भी यहां पर रिपोर्ट वगैरह है निकलकर एक बार को आए ताकि उसमें कोई भी त्रुटि देखने को न मिले। तो ये चार पॉइंट आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं जो कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी ला देंगे कि एक्चुअल में फंक्शन क्या है। ये तो हम लोगों ने फंक्शन की बात कर ली, इसके साथ में कुछ लिमिटेशंस भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। लिमिटेशंस यहाँ पे बता देता हूं, सबसे पहली तो बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों, डे बाय डे की एक्टिविटी क्या है, कहाँ खाते हैं कहाँ पीते हैं कहाँ नहाते हैं कहाँ धोते हैं, ये सब बातें डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब एक बड़ी पॉलिसी अगर कोई है लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाल रही है डिपार्टमेंट को सहूलियत पहुंचाने के लिए, डिपार्टमेंट का बर्डन कम करने के लिए कमेटी आती है, ना कि डे बाय डे की जो एक्टिविटी हो रही है, अगर ये काम भी यही करने लगी तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम ही क्या रह जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है उनका। तो इसलिए यहां पर ये इतना काम भी नहीं करती हैं, ये बड़ी बड़ी पॉलिसी जो होती है उस पर ज्यादा फोकस देकर चलती है, डे बाय डे के जो मैटर्स हैं उनमें कोई इंटरफेयर नहीं करती हैं। जनरली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये कोई वो मैटर कंसीडर नहीं करती है, अगर ऑलरेडी किसी कमेटी को कोई मैटर दे दिया गया है तो मतलब डुप्लीकेसी ऑफ वर्क आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, पता चला पहले एक दूसरी कमेटी ने काम कर रखा है फिर इसमें आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी कमेटी को ऑलरेडी कोई काम सौंप दिया गया है तो फिर ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंडर में वो काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो उस पर डिस्कस हो चुकी है चीजें। अगर कोई बहुत ही क्रिटिकल इशू हो गया, जनरली बोला गया है स्पेसिफिकली नहीं बोला गया यहाँ पर, अगर बहुत ही क्रिटिकल इशू हो गया कि हाँ एक बार पार्लियामेंट्री कमेटी को जो स्टैंडिंग है उनको भेजना चाहिए तो मैटर्स आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैन लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो जनरली बोला गया है स्पेसिफिकली नहीं बोला गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब इतनी बात हो गई तो अब क्या देखने को मिलेगा, जितनी भी यहाँ पर ये रिकमेंडेशन देंगी पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ये एडवाइजरी नेचर की होंगी, मतलब एक सलाह है एक सजेशन है, ये ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने पार्लियामेंट को यहां पर अपनी राय दी और वो उनके ऊपर बाइंडिंग हो गई, ये बांधने वाली नहीं है, एक सलाह देने वाली बात है, बाइंडिंग करने वाली नहीं है कि हाँ बाइंडिंग कर दी बिल्कुल बात है कि हाँ ये ही है बिल्कुल ऐसे होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सलाह दी जाएगी यहां पर, एक समझा जाएगा सोचा जाएगा कि हाँ ये सही है या गलत है, अगर उनको लगता है कि ये सही है तो इसको रख लेंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर उनको लगता है कि सही नहीं है तो फिर उसको साइड में रख देंगे उठाकर, ठीक है। तो आखिर में डिपेंड उन्हीं के ऊपर करता है, क्योंकि पार्लियामेंट में बेसिकली डिस्कशन होता है तो वो जनता के हित में होता है, स्टैंडिंग कमेटी में देखे क्या चल रहा है अंदर वो अंदर की बात हो जाती है, पर लेकिन पार्लियामेंट में जो डिटेल में डिस्कशन हो रहा है तो असलियत में बातें वहां निकलकर सामने आती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर भी आप लोग फोकस दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फीचर्स क्या क्या है, मेरिट्स क्या क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्रोसीडिंग होती है यहाँ पर वो किसी भी पार्टी के बायस नहीं होती है, मतलब कि यहाँ पर्टिकुलर ये पार्टी है इसके लिए यहाँ पर ये काम होना चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर यहाँ पर आते हैं। प्रोसीजर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके चले जिस तरीके से पार्लियामेंट में या फिर बजट का प्रोसीजर हम लोग फॉलो करके चलते हैं, तो इस तरीके का नहीं है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया बिल्कुल टाइट वाला और उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ्लेक्सिबल है। मान लीजिए आप लोगों ने 4 घंटे पढ़ने हैं मॉर्निंग में 4 घंटे पढ़ने इवनिंग में, तो ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग और इवनिंग में रखना है, दोपहर में 4 घंटे पढ़ लेते हैं आज शाम को नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो ऐसा किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर किया जा सकता है, बिल्कुल एक टाइट शेड्यूल नहीं है कि बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप लोगों को काम करना है, क्योंकि अगर इतने पैटर्न पे काम करेंगे इतने टाइट शेड्यूल में काम करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है वहां पर आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जा सकता है, वहां पर थिंकिंग प्रोसेस को ज्यादा इलेबरेट किया जा सकता है, वहां पर जनरेशन जो नए नए आइडियाज है वो ज्यादा आ सकते हैं यहाँ पर, तो ये बातें आप लोगों को थोड़ा समझनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात की जा रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तीन जो यहाँ पर आप लोगों को पिलर नजर आते हैं उनमें से कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है उस पर एक कंट्रोल यहाँ पर नजर आएगा, जब ये यहाँ पर अपना काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई देगा। हमारी इकोनॉमी ढंग से काम करना स्टार्ट करेगी और ढंग से इफेक्टिवली इफिशियंसी जो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर है उनका ढंग से यूज हो पाएगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कमिटी का काम यही होता है कि बीमारी लगने से पहले उसको मिटा दिया जाए, कमिटी हुई थी इसलिए है। आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेसी का हनन करने के लिए कमिटी सेटअप की गई थी ताकि पहले ही बता दिया जाए कि क्या क्या चीजें हैं, कहां कमियां हैं कहां खामियां हैं और उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, तो इसलिए बोला जा रहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये बात भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले ही गठन किया जाता है कमिटी का ताकि देख लेगी कहां पर क्या प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके, तो कहीं ना कहीं एक आप लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड इनको बोल सकते हैं।
और कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मैटर आ गया, कोई बैंकिंग सिस्टम से कोई मैटर आ गया, और पार्लियामेंट मेंबर क्या होते हैं, वो हम जैसे मेंबर होते हैं, मतलब जनरल एक इंसान होता है, अगर वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है तो कम से कम उसको भी नॉलेज हो जाएगी, कल को पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन हो रहा है तो उसकी भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो पहली चीजें उनको पता चल जाती है कि हाँ कम से कम अगर उनको एक ओरिएंटेशन मतलब एक बैकग्राउंड नॉलेज बोल दी जा सकती है, आप लोग उनके पास भी पहली पहुंच जाती है कि क्या क्या आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा आप लोग देखकर इनको चलेंगे तो आप लोगों के माइंड में यहाँ पर थोड़ी समझ में आएगी कि एक्चुअल में चीजें चल क्या रही हैं। तो थोड़ा सा इसको भी फोकस में रखिएगा। कहीं ना कहीं एक बात और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कमिटी के अंदर आप लोगों को कोई भी एक्सपर्ट देखने को मिल सकता है, पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर लिया जा सकता है, तो यहाँ पर नए नए आइडिया आ सकते हैं। जब यहाँ पर नए नए आइडिया आएंगे तो वो बाद में पार्लियामेंटेरियन तक पहुंचाए जाएंगे और वो आइडिया फिर इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं अगर वो इफेक्टिवली है, अगर उनका ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट इनकी इंपॉर्टेंस इनकी कमिटीज की हमारे लिए नजर आती है। तो देखिए अलग अलग एक्सपर्ट और एमिनेंट पर्सन को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्यसभा में जब मनी बिल की बात आती है तो आप लोगों को देखने को मिलता है राज्यसभा के पास में पावर क्या होती है, ओनली 14 दिन के लिए वो उसको रोक सकता है, इससे फालतू राज्यसभा के पास में कोई भी मैटर नहीं होता है, फाइनेंशियल बिल पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। पर विद दी हेल्प ऑफ ये स्टैंडिंग कमिटी जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा एक एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक कंट्रोल यहाँ पर राज्यसभा का भी आप लोगों को नजर आएगा, राज्यसभा भी ग्रेटर रोल प्ले करती हुई नजर आएगी क्योंकि कमेटी में आप लोगों को मेंबर देखने को मिलते हैं राज्यसभा के भी। और स्टैंडिंग कमेटी में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल स्टैंडिंग कमेटी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला 24 स्टैंडिंग कमेटी में से यहाँ आप लोगों के सामने की 8 स्टैंडिंग कमेटी राज्यसभा की भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, और 10 मेंबर आप लोगों हर एक स्टैंडिंग कमेटी में राज्यसभा के नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में राज्यसभा का कंट्रोल हो जाता है फाइनेंशियल मैटर पे, डायरेक्ट में तो इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है पर इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप लोगों यहाँ पर कंट्रोल नजर आएगा ही कि राज्यसभा भी रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मैटर में, ऐसा नहीं है। इसीलिए जब मैं आप लोगों को डिफरेंस समझा रहा था वहां पर लोकसभा और राज्यसभा का, उस टाइम पर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था और वहां पर जोर दे देकर बताया था कि देखिए हमारे यहाँ पर जो भी ये हाउस है, एक हो गया राज्यसभा और दूसरा हो गया लोकसभा, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर वाला हाउस है और ये नीचे वाला हाउस है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक अच्छा हाउस है और ये बुरा हाउस है, इसमें ढंग से काम नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्राइमरी हाउस है और ये सेकेंडरी हाउस है, ऐसा कुछ नहीं है। दो हाउस है मतलब आपके दो हाथ है, ऐसा नहीं है कि एक हाथ ज्यादा काम का है दूसरा हाथ काम का नहीं है, एक आंख ज्यादा काम की है दूसरी आंख काम की नहीं है, एक हाथ ज्यादा काम का है दूसरा हाथ काम का नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही हाथ दोनों ही आंख दोनों ही कान काम के हैं, इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंस है दोनों की, इनको दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है। तो दो हाउस है हमारे यहाँ पर, ऊपर नीचे नहीं रखेंगे उनको कि ये अच्छा हाउस है और ये बुरा हाउस है। तो ये बात आप लोगों को ढंग से माइंड में याद रखनी है, कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड आपके माइंड में नहीं होना चाहिए अगर कोई आप लोगों से रिलेटेड इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछता है तो। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों का सेव कीजिए और अपने आसपास पानी को भी सेव कीजिए और पॉलिथीन वगैरह कम से कम यूज कीजिए, ठीक है। और लेक्चर वगैरह अगर पसंद आता है तो शेयर कर दिया कीजिए और नहीं पसंद आता है तो शेयर बिल्कुल नहीं करना है, लेक्चर अगर अच्छे लगे तो ही शेयर करना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। सारे लिंक आप लोगों को नीचे वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।